शख्स ने कूड़ेदान में फेंक दिए थे जो लॉटरी के टिकट, उसी ने बना दिया करोड़पति। कहते हैं कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, बशर्ते कि इंसान हार न माने। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिला है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यहां एक सब्जी बेचने वाले ने जिस लॉटरी के टिकट को कूड़ेदान में फेंक दिया था, बाद में पता चला है कि उसी टिकट से वे 1 करोड़ रुपए जीत गया है। जिस शख्स ने लॉटरी जीते हैं, उसका नाम सादिक बताया जा रहा है और वे कोलकाता के दमदम इलाके में सब्जी की दुकान लगाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सादिक ने नए साल से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2019 को अपनी पत्नी के साथ नागालैंड लॉटरी के 5 टिकट खरीदे थे। 2 जनवरी को जब लॉटरी के इनामों की घोषणा हुई तो कुछ दुकानदारों ने उससे कह दिया कि उसे कोई इनाम नहीं मिला है, जिसके बाद सादिक ने गुस्से में सारे टिकट कूड़े में फेंक दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जनवरी को जब सादिक कुछ सामान लेने के लिए उसी दुकान पर गया जहां से उसने लॉटरी के टिकट खरीदे थे, तब उस दुकानदार ने उसे बताया कि वे 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत गया है। इसके बाद सादिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने तुरंत यह बात जाकर अपनी पत्नी अमीना तो बताई। इसके बाद दोनों ने कूड़ेदान में लॉटरी के टिकटों को खोजना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वो 5 टिकट मिल गए। सादिक ने जो 5 टिकट खरीदे थे उसमें से 1 पर उसे 1 करोड़ रुपए, जबकि बाकी के 4 टिकटों पर उसने 1-1 लाख रुपए का इनाम जीता है। सादिक की पत्नी अमीना का कहना है कि इन पैसों से उनकी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने बच्चों के लिए एक SUV भी बुक करा ली है।